भाई एक बड़ा मसला है, कभी कभार जिस दिन वीडियो डालूं उसके फौरन बाद खबरों में एक खतरनाक आइटम आ जाता है। यही हुआ पिछले हफ्ते फिरदौस आशिक अवान के हवाले से। अब मैं हूं तो कामचोर, ऐसा हो नहीं सकता कि हफ्ते में एक के बजाय दो वीडियो डाल दूं, तो फिर बात अगले हफ्ते तक चले जाती है, माल सूखा हो जाता है। कोशिश पूरी होगी लेकिन सूखे माल को गीले करने की, तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं। पिछले हफ्ते वीडियो आई जिसमें हमने फिरदौस बीबी को देखा बीबीसी के कादिर खान मंडूखेल को चंबे कराते हुए। फिरदौस बीबी ने गालिबन बोला कि शर्म नहीं आती लेडीज के साथ बकवास करता है, जिस पे कादिर खान हैरानियत से बोले कि ये लेडीज हैं, इससे उनकी हट गई और सीधा लपेट दिया। मुझे ये हमारी उर्दू वाली इंग्लिश बहुत पसंद है, औरत एक हो या ज्यादा दोनों सूरत में लेडीज ही हैं। औरतें भी इस बात का फायदा उठाती हैं जैसे लूडो स्टार में कि मैं लेडीज हूँ मुझे ना मारें। फिरदौस आपा लेकिन काफी अग्रेसिव चल रही हैं, इनको माजी में हमने जॉनी सिंस की तरह मुख्तलिफ कैपेसिटी में तो देखा ही है, लेकिन शायद ये बॉक्सिंग वाला किरदार इनको सही से लड़ गया। कुछ टाइम पहले ये असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट पे भी भिन हो गई थी। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। सियासत अपनी जगह, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो जबान इन्होंने ये चंबे वाला सिलसिला डिस्क्राइब करने के लिए अपनाई, इसके मैं फेवर में नहीं हूँ। ये कैसा घुसरा मर्द होगा। इसी तरह पार्लियामेंट के सेशन में पीटीआई के मजीद खान न्याजी ने भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, और मॉडल ईमान अली भी बोली कि उनको लगता है लोग झूठ बोलते हैं उनको खूबसूरत कहकर, खुद को शीशे में देखकर वो कहती हैं आय हाय खुसरा। अब इस लफ्ज का इस्तेमाल ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के लिए बहुत ऑफेंसिव है। मेरे ख्याल से सियासत के केस में एटलीस्ट ऑपोजिशन की ना अहली इतना कॉन्टेंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर लेती है कि आप उसी पे खेलें, बजाय इसके कि एक ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की मजीद दिल आजारी करें। दिल आजारी लेकिन सीजन में है भाई, हर हफ्ते जो भी हो जाए शादियों के अराउंड कॉन्टेंट बहुत होता है। इंडिया में दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया क्योंकि दूल्हा साहब नशे की हालत में आए, उनको डांस करने के लिए फोर्स किया और ओवरऑल हड़ाउड़ी मचाई। फिर यूपी में ही एक और दुल्हन ने शादी मना कर दी क्योंकि दूल्हा मियां मावा खाते हुए आए। बात तो समझ में भी आती है, सोचे काजी पूछे कबूल है और दूल्हा बोले आ जाएगी कबूल है, आगे की फील्डिंग बचा। देख लो बॉयज, इंसान बन जाओ। वैसे ही रिपोर्ट है कि 50% लेडीज रिलेशनशिप के बावजूद बैकअप में लड़का रखी होती हैं। ये मैंने थोड़ा लाहौर स्टाइल में दिया, रखी होती है, हम शादी करते होते हैं। लाहौर से याद आया, रिपोर्ट आई कि इस साल पाकिस्तान में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ है। लेकिन हाँ भाई, शादियां गुटके मावे नशे की हालत की वजह से टूट रही हैं, इसीलिए अच्छा है कि पंजाब में निकाह प्रोसेस डिजिटाइज करने का सीन है, जिसपे अमीर मुआविया साहब ने क्या खूब लिखा कि हैकर्स ने घर बैठे मेविश हयात सनम जंग ब्याह लेनी है। अच्छा है डिजिटल निकाह, लेकिन कबूल है कि बजाय 3 दफा टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर दिया, वो भी वैसे कोई नहीं पढ़ता, और हक महर बिटकॉइन में अरेंज कर लिया। पंजाब में अमीरों की शादी अलग से होती है, लेकिन इस्लामाबादी एलीट चेक करें हेलीकॉप्टर में एंट्री देते हैं, करीबी दोस्त उनके लिए डांस पेश करते हैं, और ये सब सिर्फ प्रपोजल के चक्कर में हुआ है। पैसा बहुत है भाई लोगों के पास, नहीं मानते तो ये वीडियो चेक करें। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? ये पुलिस अफसर 3 करोड़ की लैम्बोर्गिनी चला रही हैं और बेचारे लियाकतबाद के एसआई लैम्बोर्गिनी पे डांस करने पे सस्पेंड हो गए। मेरे पास भी बहुत पैसा होता यार अगर मेरी हर वीडियो स्पॉन्सर हो जाती। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी ये वाली वीडियो स्पॉन्सर हो जाती तो मैं आपको बताता दराज मोबाइल वीक की मजीद डिटेल। मैं आपको बताता कि दराज की ऐप में डेली 1 रुपी गेम है जिसमें आप PlayStation 5, iPhone 12, टीवी, AC और दीगर आइटम जीत सकते हैं सिर्फ 1 रुपए में। हाँ भाई, सिर्फ 1 रुपए में। 1 रुपए में तो आजकल छालियां भी नहीं मिलती। या फिर शेक शेक करके एक आइटम है जिसपे अगर आप एक मखसूस वक्त पे हिलाएं अपना फोन तो वाउचर्स और गिव अवेज जीत सकते हैं। फिर है जी ब्रांड फ्लैश सेल, इसमें आप दराज मॉल के सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की मोबाइल वीक के दौरान एक्सक्लूसिव ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं जो कि कहीं और अवेलेबल नहीं होंगी। मिशन मोबाइल वीक में भी हिस्सा ले सकते हैं मुख्तलिफ मिशन कम्प्लीट करके, जैसे 5 दिन दराज ऐप खोली या प्रोफाइल अपडेट की या दोस्तों के साथ डील शेयर की और रिवॉर्ड जीते जैसे सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा या डॉलेंस रेफ्रिजरेटर। सॉरी, मैं थोड़ा ख्याली प्लाव में निकल गया था। खैर, पैसे पे नहीं तो इंशाल्लाह टैलेंट पे हम आगे बढ़ेंगे बॉस। टैलेंट भी बहुत है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी ट्रंप क्या गाना गाते हैं, या ये भाई क्रो विस्परर जो आवाज दे के कव्वे जमा कर लेते हैं।
और टिकटॉक पे तो हर पत्थर के नीचे टैलेंट है भाई। किसी और कहूँ फिलहाल। अरे यही है वो दूल्हा जिसकी दुल्हन ने माजरत कर ली थी। तो ये थी जी इस हफ्ते की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे लिए एक काम करते हैं, मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते हैं। बहुत शुक्रिया, मुलाकात होती है अगले हफ्ते।